गुड मॉर्निंग गाइस, आज 2 तारीख है जनवरी का दूसरा, और आज आपका भाई जो है ना आप लोगों के लिए एक छोटी सी राइड करने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है ना मेरा बाहर मैं कभी कहीं गया नहीं, हूँ नहीं लॉन्ग राइड पे, तो इसलिए अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए कि मैं लॉन्ग राइड कर सकता हूँ, तो आज मैं एक छोटी सी सोलो राइड पर जा रहा हूँ, और होपफुली कि आप सब लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा और मैं वो राइड पूरी करके आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी छोटी सी सोलो राइड पे, और अब आपको दिखाता हूँ मैं स्कूटी पर। यहाँ पे घड़ी चार्ज हो रही है और ये हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो जल्दी से हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है सॉस, ब्रेड और एग, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं। भाई आपका निकल चुका है अपने छोटी सी राइड के लिए, और ये है रिंग रोड। अरे भाई ये देखो टाइम जा रही है सामने नई वाली, तो ये है हमारा रिंग रोड, और इस वक्त सुबह सुबह के टाइम पे भी देखिए कितना मतलब भीड़ हो रखा है, और हमारे सूर्यदेव इस वक्त बादलों में छिपे हुए हैं, और ठंडी हवा चल रही है बड़ी तेज़। मैंने ग्लव्स ये वाले पहने, इसके अंदर में हवा जा रही है, आगे कहीं रुकूंगा तो मुझे ग्लव्स चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ग्रिप नहीं आ रही। अगर आप किसी ठंडी जगह पे ड्राइव करने जा रहे हैं तो अपने जो गियर्स वगैरह हैं वो सब प्रॉपर लेके जाएं। स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि हवा चल रही है ठंडी ठंडी, इसलिए ये देखिए 50 की स्पीड पर ही चल रहा हूँ मैं। पीछे की जेब बैठ के और सामने की जेब में हाथ, भैया कपल्स के तो ऐसे ही होते हैं, जो सिंगल ड्राइव करते हैं वो बेचारे क्या करें, उनको तो यही पकड़ना पड़ता है बस। ए बहल भाई साहब उल्टा कहाँ आ रहे हो, हाईवेज के अंदर में ना ये बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली चलना पड़ता है, क्योंकि जो बुग्गी वगैरह होते हैं ना वो कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से बैल, कहीं से घोड़ा, कहीं से अगर आप राजस्थान के इलाके में जा रहे हो तो वहाँ पे ऊँट, तो भाई ये सब चीज़ बड़े ध्यान से आप चलाएं, सतर्क रहें, सतर्कता जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और ये चल रहे हैं अपने लेन ड्राइव के अंदर में, हम चल रहे हैं यहाँ, तो चलिए भाई चलते हैं। लॉन्ग राइड में जाने से पहले हमेशा अपने टायरों का जो है ना प्रेशर देख लीजिए, कि कम हवा है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा हवा है तो भी दिक्कत है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और हमें हापुड़ के लिए जाना है सीधा लक्ष्मी नगर नोएडा इस साइड पे मेरठ। हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, हम नीचे से ही चलेंगे क्योंकि ऊपर है हाईवे, हो सकता है कि वहाँ आगे जाके दो पहियों वालों को ब्लॉक कर दे, तो इसलिए हम नीचे से चलेंगे। दो पहियों में कभी भी आप चलो ना, हमेशा आप लोअर लेन से चलना, क्योंकि ऊपर की हाईवे रोड होती है ना, तो उस हाईवे के ऊपर में कभी कभी जो है चालान होने का डर है, और टू व्हीलर्स के लिए वो अलाउड नहीं होता, तो हम नीचे से चलेंगे, थोड़ा सा देर से ही पर आराम आराम से। मेरे साथ जा रही है नेक्सॉन की ईवी, टाटा की ईवी नेक्सॉन, ये भी आराम आराम से स्लो स्पीड पे जा रही है। ईवी के अंदर में क्या है, जितना आप कंट्रोल में चलाओगे ना उतना उसका बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल जाता है, और यदि आप इसको स्पीड में चलाओगे तो दिक्कत होती है, मतलब बैटरी इरोजन ज़्यादा हो जाता है। अच्छी बात है, आजकल का टाइम भी ईवी के अंदर चला जा रहा है, तो इन फ्यूचर जो है वो ईवी में ही है, लेकिन अभी टाइम लगेगा इसको डेवलप होने के लिए। अरे यहाँ क्या हो गया भाई, यहाँ कुछ हो गया, गिर गए, स्लिप हो गई क्या गाड़ी।
ज़्यादा चोट लगी है क्या? हैं? ठंड के टाइम पे चलो, लोग देख रहे हैं, हम अपना चले। ऐसी रोड अगर सिटी के अंदर की हो तो भाई साहब मज़ा ही आ जाए, मतलब खुली एकदम। अब मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ हाईवे में, तो हो सकता है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे पावर हाउस है, अयो सर्दियों में सरसों होती है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रही है ये सारे सरसों के ही खेत दिख रहे हैं, क्योंकि येलो येलो हो रखा है एकदम बढ़िया सा। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया मुझे इस रूट पे आए हुए, और ठंड बढ़ती जा रही है। जितना खुला रास्ता आता जा रहा है उतना ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हवा जो है ना सामने से एकदम यूँ आ रही है। अब जैकेट पहन रखी है मैंने, फुल स्वेटर पहन रखा है भाई, ठंडी मेरे को कुछ ज़्यादा लगती है। लेकिन आप लोगों के लिए ना मैंने जो है इतनी ठंडी के अंदर में मैंने सोचा कि क्यों ना ये राइड लगाया जाए। भाई बड़े बड़े लोगों के तो सभी देखते हैं, हम गरीब आदमी के भी देख लिया करो ये छोटी सी राइड। मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए है? तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई, ज़रूर भूलिएगा नहीं, कर दीजिएगा। सामने देखो एकदम खुला रोड, ओ भाई ओ धुंध धुंध, और हमें जाना है बिल्कुल सीधा। एक चीज़ जो आप मतलब सीरियसली मैं कहूँगा कि मोटो व्लॉगिंग जो है ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल इन द सेंस कि कोई इजी टास्क नहीं है कि बस आपके हाथ में गाड़ी आ गई और आप चल दिए और आप मोटो व्लॉगर बन गए। भैया मेहनत करना पड़ता है भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अकेले सुनसान सड़कों के अंदर में खुद ही बात करते हुए अपने आप से और आप लोगों के लिए आपसे मतलब कैमरा में बात करते हुए चलते हैं, तो आसपास के लोग जो देखते हैं कहते हैं भाई पागल हो गए क्या। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मतलब मोटो व्लॉगर बनना और अकेले रूटों पे चलना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। ये भाई हमारे एक साथ जा रहे हैं यहाँ पे झंडा लेके गाज़ियाबाद टू अयोध्या वॉक करते हुए, इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब आए हैं तो इतना तो बात करना बनता ही है कि अयोध्या जा रहे हैं। क्या हाल है सर? गाजियाबाद से कर रहा हूँ अयोध्या की। गाजियाबाद से अयोध्या जा रहे हो? चौथी पद यात्रा है। चौथी पद यात्रा है, पहले पिछले महीने भी करके आया मैं कैची धाम की, नीम करौली बाबा की। अच्छा, उससे पिछले महीने केदारनाथ की करी थी। ओके, गाजियाबाद से उससे पिछली मेहंदीपुर बालाजी की। चलो ये चौथा है, चलो भगवान आपको दे और अयोध्या होके आओ। श्री राम भैया, ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल पद यात्रा ही करता हूँ, हर महीने की यात्रा करता हूँ। अच्छा ठीक है जी, क्या है? कृतिका वर्मा। ओके बेस्ट ऑफ लक भैया। सब अपने अपने जो है ना मेहनत कर रहे हैं। जो मैंने बताया ना कि अगर आप किसी चैनल पे मतलब किसी सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हो ना, तो ये मतलब कोई ईजी टास्क नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, मेहनत। यहाँ पे नज़ारे ही कुछ अलग अलग दिख रहे हैं। सामने देखें यहाँ पे धुआं उठ रहा है, मतलब धुएं का कलर भी जो है ना बिल्कुल डिफरेंट, मतलब अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं ठंड की वजह से दिख रहा है या क्या है। स्टीम स्टीम निकलता है भाई, ये इट्स स्टीम, धुआं नहीं है।
पानी वाला, पानी का स्टीम है ये। हाईवे का मेंटेनेंस और रेनोवेशन चल रहा है भाई, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर। नेशनल हाईवे है और यहाँ पर जो है ना सभी मेंटेनेंस रेगुलर चलता ही रहता है, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी ट्रकें चलती है ना यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ काम तो निकलता ही रहता है। तो बच्चे सर्दी में एकदम ठंड लग रही है जबरदस्त है, हवा लग रही है, हवा लग रही है ठंड। काफी देर से चल रहा था तो बहुत जोर से प्रेशर आया था भाई, मतलब नेचर को लाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक मुझे पेट्रोल पंप मिल गया और यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी थी तो मैं यहाँ पे रुक के आ गया। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। फिर से सरसों का खेत, हरियाली पीली पीली। तो भाई लोग, हम लोग पहुंच गए हैं एक ऐसी शॉप पे जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हाथरस स्वीट्स और ये सामने देखिए ये है शॉप। और यहाँ पे जो बहुत बेहतरीन चीज़ जो इसके लिए मैंने सुना है कि ये है, इसको सोन पापड़ भी कहते हैं और पतीसा भी कहते हैं। तो भैया ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि अब चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं तो क्यों ना कुछ मीठा ही लेकर चलें, कि पहली राइड पे और पहली बार इतनी दूर आए हैं तो कुछ मुँह मीठा तो बनता ही है। तो वहाँ से लेके अब हम निकलते हैं वापस, क्योंकि टाइम हो रहा है क्या बज रहा है, एक बज गया है। तो भैया अब आधा दिन हम बिता चुके हैं सुबह 8 बजे से और अब हम चलेंगे वापस घर की तरफ। मुँह मीठा करके वापस चल पड़े हैं हम अपने घर की तरफ, क्योंकि सुबह हम निकले थे और दोपहर हो चुकी है और दोपहर के बाद अब सूरज कुछ कुछ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन जो हवा आ रही है ना सामने से, वो बहुत तेज़ बर्फीली हवा जिसको कहते हैं। अरे भाई साहब, बकरे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ठंडी हवा जो है ना वो ज़्यादा, अगर हम खड़े हो जाते हैं तो गर्मी लगने लगती है। अरे यहाँ कितने सारे बाइक हैं, ये कबाड़ी हैं, बताओ कबाड़ी में बाइक लगा रखी है, चलो। अरे भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, ये देखो इसको कहते हैं उल्टा प्रदेश, क्या कहें यार, चलो कुछ नहीं हम चलते हैं। और यहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद बगुले बैठे हुए हैं, क्या खूबसूरत से, वाह ये भी मज़े ले रहे हैं अपने। यहाँ पे क्या है पता नहीं, बट जो भी है बहुत बड़ा है भाई साहब। मैं यार यहाँ पे सारे उल्टे क्यों आते हैं, पहले गाड़ी उल्टी आई अब बाइक उल्टी आई, चलो जाने दो। सुबह आ गया है टोल गेट और यहाँ पे फास्ट टैग वाले बैठे हैं, अगर किसी के पास फास्ट टैग नहीं है तो यहाँ से बनवा सकते हैं, और खत्म हो गया है तो भी यहाँ से डलवा सकते हैं भैया। अरे चाचा कहाँ जा रहे हो यार, और ये आ गया है हमारा टोल गेट। और दो पहिया वालों की जगह कहाँ है भैया, ओनली फॉर टू व्हीलर्स।
इधर से है भैया, इधर से वो बड़ी गाड़ियों का है। और ये छोटी गाड़ियों का है भैया। बैठे बैठे हमारी जो टांगे हैं ना वो हो गई हैं सीधी या टेढ़ी कह लो, अब रुकना पड़ेगा थोड़ा। अरे दादा, अरे पैर कट गया भैया। A few moments later. तब निकल पड़ते हैं एक मिनट का ब्रेक लेने के बाद, तब तक आप भी ब्रेक ले लीजिए। ओ भैया, ओ सांड, ओ भैया, और रोड क्रॉस कर रहा, देखो सूर्य देवता जी ने कुछ अपना रंग दिखाया है और अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी देर जो है ना ठंडी हवा और क्या कहते हैं वहाँ पे खुला एरिया था ना, तो ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो लेकिन अब जो है यहाँ आने के बाद अब हम आ रहे हैं दिल्ली की दायरे में, तो अब थोड़ा सा वेदर बढ़िया। यहाँ से भी स्टीम निकल रहा है भाई साहब। पहुंच गए हम शांतिवन राजघाट यानी कि अपनी दिल्ली में वापस, और काफ़ी लंबा सफ़र हो गया पहली बार मेरे लिए, तो अब थोड़ी सी गर्दन वर्दन अकड़ रही है, तो अब हम मिलते हैं आपसे घर पे। राइट पूरी करके मैं आ गया हूँ वापस। तकरीबन 250 किलोमीटर की राइड मैंने करी है आज, ये मेरी फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड है। आप लोगों के लिए मैंने ये किया, ये पॉसिबल भी इसीलिए हुआ क्योंकि बस मैं हमेशा अपना आप लोगों से मोटिवेशन लेता था कि मैं करूँगा आप लोगों के लिए, और मैंने करा। तो ये मेरा वेरी फर्स्ट जो भी है मैंने अपना राइड कंप्लीट करा, और इसके बाद आशा करता हूँ कि और भी दूसरी लंबी राइड्स मैं कर पाऊँगा, ताकि मतलब इसके बाद में मुझे थोड़ा सा ना अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि यस आई कैन डू। तो ये आप सभी को जो भी राइडिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं लाइफ में, कोई भी काम जो आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, एक बार करो, छोटा सा करो, कुछ भी करो, तो जिससे कि आपको ये फील होगा कि नो आई कैन डू। तो बस इसी के साथ में मैं अपने यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। और जब आया हूँ मैं घर पे तो मुझे कुछ रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, सिर्फ वो जो एक मैंने स्वीट्स शॉप में गया था वहाँ पे बस स्वीट एक बार टेस्ट करा, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारे घर में आज क्या बना है मैं दिखाता हूँ आपको। तो मुझे आते ही सर हुआ है ये, इसको कहते हैं राम लड्डू, ये जो चटनियों के पीछे छुपा पड़ा है, और ये मिर्ची है, और ये वो स्वीट डिश है जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था। तो मैं इसको इंजॉय करता हूँ। इंजॉय क्या करता हूँ, थका के मेरी आंखें ऐसी हो रही है, बस मैं एकदम, मेरे को तकिया मिलेगा ना तो मैं सो जाऊँगा, बिल्कुल टायर्ड हो रखा है। क्योंकि एक तो स्कूटी बाइक नहीं है, स्कूटी में थोड़ा सा ना टायरिंग होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हो तो उसके बाद तो हैबिट पड़ आ जाएगी आपको, तो फिर आप जहाँ मर्जी लद्दाख चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एनीवेज अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे बंद करता हूँ, और फिर मिलेंगे आपसे एक इंटरेस्टिंग सी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और टू व्हीलर में तो अपने राइडिंग गियर्स और हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, उसके बाद ही आप ड्राइव कीजिएगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।